सर, कैसा विकास है आपके क्षेत्र में? देखिए, विकास की गंगा ऐसी है जैसे गधे के सर से सींग। अच्छा, अब देखिए होता क्या है ना, अब अगर हम अभी चुनाव आ रहा, सभी लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल गायब है। ठीक, बसपा भी अगर हम देखें तो जमीनी स्तर से कोई नज़र नहीं आ रही जी। अब है सपा, कांग्रेस और भाजपा। अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से प्रियंका गांधी ने एक अच्छी कोशिश करी महिलाओं का वोट बैंक साधने की जी। और सपा हमेशा दलितवाद, यादववाद इन पे रही है। भाजपा एक अलग पार्टी बन के उभरी, लेकिन अब क्या बताएं, निजीकरण हो गया। अभी जैसे आप टीटी के छात्रों को ले लीजिए, उन पे लाठीचार्ज हो गया। तो कई तरीके से हैं जिनसे हम लोग भी भाजपा से नाराज हैं कि भाई अगर इस तरीके से काम चलता रहेगा तो क्या करेंगे हम। आप विकास का कह रहे हैं, 2014 से आप सत्ता में काबिज हुए कि विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास नहीं। लोग वोट दे रहे हैं सिर्फ मोदी को देखकर, योगी को देखकर। क्षेत्रीय विधायक की बात करेंगे तो कहीं से कोई काम नहीं नज़र आता। सिर्फ उनका काम है बस फॉर्च्यूनर से घूम लेंगे, इधर उधर देख लेंगे, शादी में आ जाएंगे। जमीन में कभी आके किसी ने 5 साल पूछा है कि भैया क्या दर्द है आपका? मतलब आपके विधायक आते नहीं यहाँ पे? कहीं नहीं आते। देखिए भाजपा तो ऐसी हो गई जैसे पत्नी हो गई, लड़ेंगे कटेंगे लेकिन जाएंगे कहाँ, क्योंकि उसके अलावा सब वैसे ही हैं। तो फिर अल्टीमेटली भाई वोट तो भाजपा ही को देना पड़ता है, क्या करे कोई आदमी। भाई अगर आपको चीज़ें देखनी है तो फिर देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई अगर क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो कोई उनका खासा रोल नहीं है, उनके में अलग ही एक अध्यात्म का पता नहीं क्या गुण चल गया है, बस वो उसी की बातें करते हैं। विकास के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता उनका। तो क्या सरकार बदलने के मूड में है क्या? देखिए सरकार बदलने का जो प्रश्न है, अब वही है ना कि अब अंधों में काना राजा ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री के चेहरे में ज़रूर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ तानाशाही की बात करे, जैसे अभी हाल ही में कई योगी के बयान आए, ठोक देंगे ये, तो एक बतौर मुख्यमंत्री को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जितना उनका डिक्टेटरशिप का जो उनका रवैया है उसको चेंज होना चाहिए। बहुत भाजपा में बहुत भी हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं, दिनेश शर्मा हैं, ये ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। और मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है, कि शायद वो अगर आते हैं तो भाजपा का जो विकास की धारा वो ज़्यादा अच्छे जमीन तक बह पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।